मुंगेर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाने बियर सिंचाई परियोजना का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, साथ ही आश्वासन दिया कि सिंचाई के लिए किसानों को जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दिए, ये आप जरूर सुनिए। बोल नहीं पाएंगे, इसलिए चाहिए यही कि लोग उनके मन में है जो उनको लगे ये जरूरी चीज है तो एक लिखित रूप से उनका भी रहना चाहिए कागज, तो वो सब लोगों का मिल गया, एक एक चीज को लोग देखेंगे, तो उसमें आप चिंता मत करिएगा। और इतना तो हम बता देना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का तो काम ही है, लोगों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। इतने दिनों से आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है तो हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो जो कुछ भी हम लोगों का दायित्व है इस काम को करेंगे। लेकिन आ करके मुझको खुशी हुई है और आपको जरूर हम लोग एश्योर करेंगे कि आज भी जितनी बातें आपने करी, अभी देखिए जो आप लोगों ने अस्पतालों के बारे में जो बातें कही तो आपको हम बता दें कि भी हमारे जो उसके अपर मुख्य सचिव भी हैं वो भी आए हुए हैं, पथ निर्माण के भी हैं और इस विभाग के भी हैं, तो एक एक चीज के बारे में लोग तो पहले हमको बताए हैं। और आज जब बोल रहे थे तो इन लोगों ने बाजाबता लिख करके दे दिया है कि CST 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इस जिले के अंतर्गत हो रहा, और APSC सह HWC 13 यानी एडिशनल हेल्थ सेंटर, तो ये भी हो रहा 13, और HSC यानी स्वास्थ्य उपकेंद्र HWC 83 बन रहा है, और कुल 100 अस्पतालों की निविदा भी हो चुकी है, इसकी स्वीकृति हो चुकी है, तो इसमें सभी पंचायतों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। ये बात है आप लोगों ने जो कहा है तो इन सब लोगों ने इसको सुना है और उसके बाद ये बात हमको इन्होंने लिख करके दिया है कि भाई यहाँ के बारे में तो हम लोग को डिसीजन लिए ही हुए हैं, तो यहाँ के बारे में जिले के बारे में आपको बता दें तो कोई इलाका बचेगा नहीं जहां पर की जो जरूरी है वो नहीं होगा, ये सब का सब काम होगा ताकि सबको सुविधा मिले, सबका इलाज हो सके। तो ये सब बात आप जानते हैं कि हम लोग तो बहुत सारा काम करने में लगे ही हुए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बिहार सरकार कई एक बार कटघरे में खड़ी हो चुकी है। हाल के दिनों में अगर बात करें तो विगत 2 दिनों से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। RT-PCR जांच हो या फिर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हो, हर मामलों में अलग अलग और गलत सूची जारी की गई है जिसमें देश के कई एक चर्चित नेता और अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का नाम शामिल है। हैरान करने वाली इस खबर से अब जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था घिर चुका है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री से जब जनता ने शिकायत किया है तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखना दिलचस्प है कि इसे दुरुस्त कब तक किया जाता है और आम जनता को सुविधा कब तक मिलती है। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें, आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़े।